भावना से खिलाफ नहीं, मुझे जुड़ना चाहिए भावना को गुंदे से, लेकिन बाबा साहब को पढ़िए तो सही, क्या बोले थे कि महान से महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता अर्पित न करें। भक्ति इज्जत जरूर देना चाहिए, सबको इज्जत देना चाहिए। ये संविधान सभा के समक्ष 25 नवंबर 1949 का उनका भाषण की लाइन में तैयार कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में निसंदेह तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे नेता भी चाहते हैं कि उनकी हम भक्ति कर करें, नहीं भैया वोट देंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, वोट आप ही को देंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, आपके कार्यशैली पे सवाल उठाएंगे, लगातार उठाएंगे, शिक्षित होने का ये मतलब। 5 मार्च को भारत बंद था रोस्टर पे, हम ही लोग थे, 5-7 लोग बैठे, और शायद आपको रोस्टर से नहीं पता होगा, लेकिन खेल ये था कि अगर वो हम हार जाते वो लड़ाई तो आपके बच्चों के लिए विश्वविद्यालय के द्वार बंद। 5-7 लोग थे, संविधान बचाओ संघर्ष समिति हम लोग 5-7 लोग अपने जेब से खर्चा उचा करके चलाते हैं, सारे मीडिया के साथ ही जानते हैं, कोई चंदा उंदा हम लोग को नहीं देता है, हम लोग को चंदा नहीं देता है, तो हम लोग 5-10 प्रोफेसर लोग आदमी कार्यक्रम है तो कोई 10 लोग साथी, कोई 5,000-10,000 इकट्ठा किए कर लिए प्रोग्राम। किसके लिए लड़ाई हो रही थी वो, मैं तो 22 साल से प्रोफेसर हूं, अभी रिजाइन कर दूंगा तो 1,00,000 रुपया पेंशन मिलेगा मुझे। वो लड़ाई थी अपने समाज के आने वाले बच्चों की लड़ाई थी। भावनात्मक मुद्दे पर तो आप इकट्ठा हो जाते, देखिए अधिकार वगैरह किसी को ऐसे नहीं मिलता, आप जितना कह लीजिए भारत बनाएंगे पीएम करेंगे कुछ ना अभी बनने वाला है, अभी 5 साल रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा उसकी भौतिक तैयारी जरूरी होती है। भीड़ से हल्ला करने से नहीं होता है, बाबा साहब कोई भीड़ लेके और तोप लेके लड़ाई नहीं कर रहे थे, बुद्धि और विवेक से वैचारिक विमर्श कर रहे थे। जितने लोग मैं कई प्रोग्राम में नाम नहीं लूंगा, प्रोग्राम सकारात्मक पहलू ये है तो मैंने कहा खट्टे मीठे अनुभव, तो मीठा अनुभव ये है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ऐतिहासिक तौर पे 1 साल के अंदर आपने 2 बार भारत बदल दिया, ये है सुखद अनुभव। SC/ST एक्ट पे भले ही ईवीएम की सरकार हो, हम तो कह रहे हैं ईवीएम की सरकार, तो आपको जो दिख रहा है कि रविदास मंदिर टूट रहा है, भीमा कोरेगा हो रहा है, अवाध निजीकरण हो रहा है, वो फर्क निजीकरण पे आप लोग चर्चा नहीं करते, उस पर आप बोलेंगे जंतर मंतर पाइए 20,000 लोग, ये सरकार बेच रही है सारी कंपनी, आपके रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे तो आप नहीं आएंगे, समझ गए। तो रविदास मंदिर का टूटना, रोहित मुला, भीमा कोरेगांव, ऊना, सहारनपुर, 370 350 जो भी जोड़ लीजिए जो हो रही है पूरे देश में, ट्रेन का गिर जाना, मंदी, फैक्ट्री बंद हो जाना, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिकना, ये सब देखने में आपको अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन ये अलग अलग घटनाएं नहीं है, एक ही स्टोरी का हिस्सा है। तो आप आ जाइए, कोई बात नहीं है, आप जंतर मंत्र में मैंने कई रैलियां देखी, ऐतिहासिक रैलियां देखी हैं, और रामलीला मैदान में भी जाके मैं भीड़ में खड़ा था, वहां पे मैं देख रहा था फोटो, मैं जाता हूं तो एक काम करता हूं, मेरा मोबाइल ऑन रहता है, मैं लाइव करता हूं, कोई बोल रहा है फोटो खींचता हूं, मेरा एक काम करता है, काम ये होता है। तो नकारात्मक पहलू क्या है समझना पड़ेगा कि हम लोग में जो धैर्य नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं, मंच पर चढ़ जाएंगे
और जिसको देखो भसड़ मचा के धक्का मुक्की मार के झगड़ा भी कर लेंगे और 300 आदमी मंच पे खड़े रहेंगे। कोई संदेश, जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं मैं रहा हूं सब में, आपके मन से कोई संदेश नहीं जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट होती है, ब्यूरो की रिपोर्ट होती है कि सब पीड़ा आया है चला जाएगा, सबसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास वैचारिक स्पष्टता नहीं है कि आपको किस दिशा में आंदोलन को लेकर जाना है। भाई टेलीविजन भी जरूरी है, टीवी भी जरूरी है, दिल्ली भी जरूरी है, सब जरूरी है। हवाई जहाज में चढ़िए, फाइव स्टार होटल में खाना खाइए, स्टाइल में रहिए, सब कारण। मैं रोने गाने का कहानी नहीं कहता हूं, मैं बहुत स्टाइलिश आदमी हूं, बहुत महंगा लाइफ स्टाइल जीता हूं, फटा कपड़ा पहन के जाएंगे तो मुझे पता है कौन कौन खुश होगा देखकर, और ब्रांडेड रहेंगे तो मुझे पता है किसी के माथे में मरोड़ उठेगा। सब इस सिंबोलिज्म होता है, संकेत होता है। बाबा साहब टाई कोट सूट में ऐसे नहीं पहनते, ये थोड़ी था उनके पास कोई खजाना था, नहीं। तो सब जरूरी है, लेकिन आप एक बार, मैं दुखी हूं इस बात से, और मैं कल भी कहीं कह रहा था, 99% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लोग जो है ना उनकी मुक्ति कहां पे है, आप ही बोले थे शायद मेरे आने जन्म में, कि 99% लोग जो है वो मुक्ति देखते हैं कहां पे, टिकट में। 99% दावे के साथ कह सकता हूं टिकट। भाई कौन सा रेल कर ले वो कि बस कर लो कि जहाज कर लो, कौन सा टिकट? आप अपने अंदर से दिल में हाथ रखिए और पूछिए कि आप कुछ चाहने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं कर। मैं भी करता हूं चाहने के लिए, कि मेरा एजेंडा कुछ और। 99 हमको टिकट मिल जाए, विधायक का, पार्षद का, एमपी का, यही चल रहा है, सारे संगठन चल रहे हैं ना, सबका मॉडस ऑपरेंडी हम जानते हैं। भाई टिकट के आगे भी जहां है नहीं, शशि गाना गाएगा, सुरेंद्र मनोज वीडियो बनाएंगे, मैं आर्टिकल लिखूंगा, मैं बोलूंगा, लोगों से बात करूंगा, पिकनिक पे जाएंगे, इससे आगे भी जाना है। या देखना क्यों नहीं चाहते? मैं आपके बच्चों की अगर काउंसलिंग कर दूं तो आप भाग जाएंगे, मुझे गाली देंगे, बिकॉज मैं हर समय अपने क्लास में कहता हूं पहला दिन कि आई हेट गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, कोट एंड कोट, मैं गुड बॉय गुड गर्ल्स वो मुझे अच्छे नहीं लगते। लड़कों को, लड़कियों को थोड़ा सा सवाल करने वाले लोग होने चाहिए। तो आपके बच्चों को हम ट्रेनिंग करेंगे तो आप हमसे हमको गाली देंगे, पूछिए क्यों? कि आप सब अपने बच्चे को कलेक्टर, एसपी, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और मैं आपके बच्चों को लीडर बनाना चाहता हूं, ये डिफरेंस। मेरे दो बच्चे, बेटा ईशान 11 में पढ़ता है, स्पोर्ट्स में भी रहता है, एक्टिंग भी करता है और ठीक ठाक रिजल्ट भी आता है, बेटी 5th में। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये कुछ संदेश यही लेकर जाइए आप। मैंने दोनों को बचपन से ग्रूमिंग की है एक बात के लिए, कि तुम्हें नौकरी नहीं करना है। क्या करना है? नौकरी नहीं करना है, तुमको जाना है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया, हार्वर्ड, जहां भी तुम काबिलियत साबित कर दो। मेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं क्राउड फंडिंग करूंगा, आप लोग से ले लेंगे स्कॉलरशिप। देखो लोगों से लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? समाज के लिए हम काम कर रहे हैं तो समाज अपना काम भी होगा, समाज को खड़ा रहना पड़ेगा। तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाओ पढ़ो, बाबा साहब क्रांति जो है, महान आंदोलन, काला राम मंदिर आंदोलन, यहां बैठ के जो कोलंबिया से पढ़ के आए थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए थे, तब उनका बुद्धि विवेक खुला था। जब मैं लैंड करता
रहता हूँ एयरपोर्ट पे, जितना ऊंचा रहता हूँ ना, जैसे ऊपर से दिल्ली साफ दिखाई देता है, तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा दुनिया समझ में आएगी ये बात। मैं बिहार का रहने वाला हूं, अगर दिल्ली नहीं आता तो शायद मेरा इतिहास कुछ और होता। अभी संदीप भाई ने कहा एक डेढ़ दर्जन मुकदमा लड़ता रहता हूं मुझे मजा भी आता है, अब नहीं लड़ता हूं तो नींद नहीं आती, नहीं लड़ता हूं तो मजा नहीं आता है। लेकिन अपने जमीन की लड़ाई नहीं है, 22 साल नौकरी करने के बाद एक रुपया का जमीन है मेरे पास, न मकान है, यही आंदोलन में जाने आने में खर्चा जो बचता है यही सब होता रहता है सरकारी घर में। तो आप तो कह रहे हैं कि हम देश के शासक बनाए, मैंने कहा लिखा कि बहुजन फाउंडेशन बनना चाहिए। परसों चलो मेरे पास एक बच्चा आया था सहारनपुर का, कि साहब मेरे पिताजी मर गए, मेरे पास एडमिशन हो गया गाँव में, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे पढ़ूं। मैंने कहा देख भाई मैं 10,000 रुपया तो दे सकता हूँ, और तू बोलेगा अगर क्राउड फंडिंग कर दूंगा, इतना सोशल मीडिया में है मेरे कहने में लोग 100-200 लोग 1,000-2,000-5,000 दे देंगे, तो ये इंडिविजुअल एफर्ट होगा ना। हमारे पास एक बात आप बता दीजिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनसे मैं मांगू कि 10,000 रुपया साल में आपको दे के भूल जाना है तो आप देंगे? क्यों चाहिए ये पैसे? सब हम लोग संगठन हजारों संगठन चला रहे हैं लेकिन एक स्कूल हम नहीं चला रहे हैं। हमारे बच्चे विदेश जाने वाले बच्चे, मैं जानता हूं कई लोग मुझे फोन करते हैं मैं क्या करूं, अगर मेरे पास जागीर होती तो मैं बेच दे देता इन बच्चों को पढ़ने के। जय भीम और फूले साहब और मंडल साहब का सपना कैसे पूरा होगा? आप 100 बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाइए, मैं मान के चलता हूं कि 90 बच्चे वहीं रह जाएंगे, टीवी में ही रहेगा, कोई बात नहीं रहो, कम से कम तुम्हारा लाइफ तो ठीक हो गया। 10 बच्चे भी अगर लौट कर आ गए भारत में तो वही बच्चे क्रांति करेंगे, मतलब अन्यथा भीड़ ही रहेगी। ये बात क्यों नहीं हम लोग समझ रहे हैं? बात कि समाज आपके सारे आरक्षण कोई कंफ्यूजन में मत रहिए, सारे खत्म हो गए, प्राइवेट स्कूल कॉलेज सब बन रहा है, अशोका यूनिवर्सिटी बन रहा है, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 20वीं सदी की लड़ाई दूसरे तरीके से लड़ी जाएगी। प्रधान जी रोज कुछ ना कुछ बेच ही देते हैं, बोलते आज एयरपोर्ट बेचेंगे कल ये बेचेंगे, तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो कहां रहा आरक्षण आपका? तब तो लड़ाई का जो है टॉप गियर में लेके जाना पड़ेगा ना। सत्ता और संसाधन के तमाम स्रोतों में हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी भीड़ आपको नहीं दिलाएगा, हिस्सेदारी दिलाएगा लीडर्स, डीलर नहीं लीडर। बहुत सारे लोग कहते तो लीडर ही है लेकिन होते हैं वो डीलर ही, वैसे हमारे वोट की डीलिंग करते हैं, वोट तो हमसे ले लेते हैं लेकिन पार्लियामेंट में गैर संवैधानिक 10% रिजर्वेशन पास हो जाता है और हमारे लीडर दोनों हाथ से ताली बजाते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं पे। हम समर्थन करते हैं, अरे कभी ये भी तो पूछ लेते पार्लियामेंट में खड़े होकर कि SC ST OBC का आरक्षण पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जरा प्रधान जी बता तो दो। तो नहीं, वो समझता है हमारे नेता आप सब उनके गुलाम हैं, यह समझता है, क्योंकि आपने अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछे। क्या नहीं हो रहा है देश में? आरक्षण खत्म हो गया, बहन बेटियों की इज्जत लूट के वीडियो बनाई जाती है, उसको वायरल किया जाता है। एक दलित का वध होता है तो अनुष्ठानिक वध होता है, उस समय हमारे नेता का ट्विटर नहीं आता है, नेता हमारे ट्वीट खेल रहे हैं आजकल एयर कंडीशन में बैठे। तो आंदोलन हम करेंगे तो नेता तुम कह के लिए रहो, हटो साइड हटो, हटो साइड हटो, कोई भी हम लोग लंबी तैयारी में, हर बड़ी में एक शॉर्ट टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म है कि हम लड़ गए भाई सरकार को, यूनियन की सरकार को हराएंगे जरूर, एक लॉन्ग टर्म लड़ाई है जो लीडर्स बनाने की लड़ाई है। हम आपके बच्चों में से लीडर्स तलाशने आए हैं, यहां ताली बजवाने खाली नहीं आए, बच्चे पढ़ाइए उसको,
आपके पास समाज को देने के लिए कुछ है जो मिडिल क्लास लोग जो नौकरी करते हैं, अन्यथा हमारा समाज तो गांव में मजदूरी और दिहाड़ी कर रहा है। आप अपने अपने संगठन कर्मचारी संगठन तमाम सब को चलता देते हैं, हम लोग कोई नहीं देता। तो उनसे पूछिए कि आखिर क्या हो रहा है, चंदों का स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोले जा रहे। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत सारे बड़े बड़े संगठन है, ये कम से कम आप ही लोग एक मंच पे आके बात नहीं कर रहे हैं तो किस बात का आंदोलन कर रहे हैं। शिवसेना में या बीजेपी में झगड़ा नहीं है, जेडीयू में या बीजेपी में झगड़ा नहीं है, सभी साथ है। तो हमारे बहुत सारे लोग बहुत तरह का संगठन क्रांति कर रहे हैं। तो जब तुम्हें पचास मान लो 22%, 24%, 50% हम लोग हैं और उसके नेता आप में संगठन चला रहे हैं, जब कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप ही मंच पे नहीं आएंगे तो ये तो लोग बटेंगे ना, जब बटेंगे तब कैसे आप क्रांति करो। तो इन नेताओं को प्रणाम करता हूं और मैं आपके बच्चों को हमको दीजिए, मैंने कहा साहब बच्चों कि मुझे 10-20 यंग दीजिए बच्चे और जिसमें बहुत एंबिशियस बच्चा होना चाहिए, उसको बहुत प्रधानमंत्री बनने का उसको ख्वाब होना चाहिए, छोटे मोटे ख्वाब हमें दिखलाते हैं। दो ही तरह के लोग हैं ना दुनिया में, एक तो जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। तो ऐसे लोग महान लोग होते हैं। तो मैं आपके बच्चों को जो है ना वो ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि उसमें देश और समाज और दुनिया गर्व करे। बाबा साहब के कैबिनेट के समय कितने मंत्री थे नाम याद है आपको? नहीं याद है? अभी पिछली सरकार इस सरकार में कितने मंत्री नाम याद है? चेहरा भी नहीं पहचानते। दिक्कत यह है, बहुत ही गंभीरता और विनम्र शिकायत भी मुझे करनी है, क्यों नहीं करूं? विनम्रता से यह कहनी है कि अपने बच्चों को देखिए, हम 15-20 साल के मुझे लगता है कि मैं बार बार ये देखता हूं कि जब मैं 65 साल का होऊंगा तब भारत की तस्वीर कैसी हो। आज से 20 साल बाद तो मैं समझता हूं कि 15 साल के लड़कों को मैंने ट्रेनिंग दी तो जब 35 का होगा तब भारत कैसा होगा। हम लोग तो दिक्कत हम लोग क्या है कि हम लोग वर्तमान अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। तो आप अपना बच्चा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खून नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से रहिए, टीवी बीबी हस्बैंड सब मस्त रहिए, थोड़ा बच्चों को ड्रीमर बनाइए, उसको बोलिए कि बेटा बेटी तुमको महान आदमी बनना है तो सपना भी दिखाते हैं, तो पीसीएस करने का सपना दिखाते हैं। बच्चों को बोलिए कि तुमको महान डॉक्टर अंबेडकर की तरह बनना है तो बनेगा कैसे? हम इस देश के शासक बने कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे कैसे तो पता ही नहीं कैसे बनेंगे। तो ये बच्चे जो बैठे हुए 5-7-10 साल के बच्चे, ये आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। आप सब लोग टीवी सीरियल देखते हैं तो राजा अपने बेटा को गुरुकुल में भेजता था तीर से चलाने सीखने के लिए, क्यों? तो उसके बेटा को राजा बनाना है। तो अपने बेटा को बेटी को जब वीर भाव योद्धा प्रवृत्ति विजेता का भाव उसमें लड़ाका प्रवृत्ति उशांति कच्छा भी सब ठीक है, उशांति उसे बहुत मारता है जानते हैं, उसमें योद्धा प्रवृत्ति न्याय के लिए लड़ने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना है, उसमें आक्रोश आना चाहिए, उसमें गुस्सा आना चाहिए। अगर उसमें गुस्सा और आक्रोश नहीं है तो कोई बदलाव नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब को सब बढ़िया से बिरयानी वरियानी खिलाता अच्छा से करता तो आक्रोश नहीं आता ना, वो आक्रोश जब आया तो उन्होंने हिंदू धर्म की पहेलियां लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से वो गुस्सा है, वो एंगर है सोसाइटी के प्रति। तो अपने बच्चों की ये गाली, लोग कहता है कि साइंस पढ़ता बहुत तेज है, तो मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मैं तो तेज नहीं हूं।
उसको आपके पास देश में मुझे बता दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं उस मंच से। आपके पास दो चार इतिहासकार नहीं है, सोशल साइंटिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, सीए नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं। बताइए कहां पॉलिटिकल साइंटिस्ट कितने हैं? प्रोफेसर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, मैं जानता हूं, पेट पालू प्रोफेसर बहुत सारे होते हैं। प्रोफेसर नौकरी, इंटेलेक्चुअल होना उसके आगे का कदम, स्कॉलर होना उसके आगे का कदम। तो आपके पास तो इतिहासकार नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2000 प्रोफेसर है, संदीप जी करल जाकर देखो सब मकान एक किस्त, 99% मकान का किस्त चुका रहा है, तो प्रोफेसर क्यों बने? प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल काम होता है जो अपने समय के चलते हुए प्रश्न का सवाल नहीं खड़ा करे तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं। राजशाही राज सत्ता कोई भी हो, हम तो पिछली बार कांग्रेस की उस समय भी लड़ी रहे थे, कहां नहीं, हाँ बीजेपी है लड़ रहे हैं, क्या करोगे, जेल में डालोगे, डालो। मैं सीबीआई इनकम टैक्स नहीं करता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहते। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मेरा प्रॉपर्टी डिटेल से जाके देख लीजिए, न जमीन है न घर है, काय करूं, डरेगा वही ना जिसके पास कुछ होगा। तो मेरे पास जो कुछ भी है यहां लेके चलता हूं, अभी से मारो सीबीआई का छापा, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए बहरहाल बहुत बोलिया और बहुत अच्छा लगा, और आधा कम से कम आपने प्रतिनिधि किया है, तो आपको हर मंच पे चढ़ जाइए, यहाँ पे महिलाओं की कमी आप लोग चढ़ जाना चाहिए, कब जाइए। अच्छा लगा और फिर आएंगे, आज एक्चुअली मैं यहाँ से निकलूंगा क्योंकि 5 बजे प्रोग्राम है वहां पर, मुझे तैयारी भी करानी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि आज से घर में जाएंगे तो बच्चों को क्या बोलना है, बाबा साहब जैसा बनना है, सावित्री फुले फातिमा शेख जैसा बनना है, नहीं अपना घर में मैनेजमेंट गुरु आप पड़ोसी के घर में भगत सिंह ये नहीं चलेगा, अपने घर में बनाना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।